Are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today we start new chapter number 13, data handling. Today's topic is exercise 13.1, date 12th of March 2021. Today's day is Friday, so let's start learning. Here is your first exercise 13.1. We already know that what is data handling. We have to separate some data in separate column. Okay, here A. The teacher asked 100 students of class 2 the name of their favorite color. The data collected is shown below. Represent this data in the circle graph by finding the fractions. Ye dekho, फेवरेट कलर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किसके कॉलम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फ्रैक्शन है, दैट वी हैव टू फाइंड। यहाँ पर कितने कलर्स दिए हुए हैं, पिंक, पर्पल, ऑरेंज एंड येलो। टीचर ने क्या किया, क्लास के 100 स्टूडेंट्स को पूछा कि उनका कौन सा फेवरेट कलर है, और इसमें सब कॉलम में अलग अलग अब रखेंगे। मतलब पिंक जितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है तो वो स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें कैसा होता है, 100 में से 35 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर पिंक है, 100 में से 45 स्टूडेंट का फेवरेट कलर पर्पल है, 100 में से 15 स्टूडेंट का फेवरेट कलर ऑरेंज है, और 100 में से 5 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर येलो है। ओके, इन सब का अगर एडिशन भी करोगे 200 होगा, ठीक है। अभी मुझे फ्रैक्शन जानना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे 100 से डिवाइड कर दूँगी सबको। तो यहाँ पर लिखा वैसे आएगा 35 अपॉन डिनोमिनेटर में 100। अभी मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, आंसर। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई टेबल ढूँढूँगी जिससे 35 और 100 को मैं एक कॉमन टेबल से डिवाइड कर सके। हम फ्रैक्शंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ऐसा 5, राइट, 5 मतलब 35 और 100 दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में 100 और 35 नहीं, 35 आता है बट 100 नहीं आता है, बट हम 100 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा, अगर 7 5 is 35, तो यहाँ पर तो 7 आ गया। ओके, डिनोमिनेटर में अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, लेट्स चेक। 100 डिवाइड बाय 5 5 2 10, माइनस 0 0, और ये 0 डाउट, तो यहाँ पर ये 0। सो कितना आया आंसर, 20। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूँगी, 20, गेट इट। अभी यहाँ पर क्या है, 45 अपॉन 100, 7 5 के टेबल में 45 9 सा, राइट, तो यहाँ पर 9 अपॉन 100 को ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिवाइड किया था 5 से, तो वो 20 आया था, तो सेम रहेगा 20। ओके, नाउ 15 अपॉन 100 कितना आएगा, 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 सा, तो यहाँ पर 3, और डिनोमिनेटर में 20 एज इट इज़, क्योंकि 5 को 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 20 आएगा। ओके, या यहाँ पर 5 upon 100, सो दैट इज 5 1 5 एंड डिनोमिनेटर में 20। ओके, अभी ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि 45 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, सो पर्पल कलर सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है, दिस वन, दिस एरिया इज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने पर्पल कलर किया है। उससे थोड़ा कम, देखो ये बीच वाली लाइन है ना, ये पूरा सर्कल है, बीच वाली लाइन, तो ये 50 हो जाएगा,
ओके, इन दोनों का एडिशन करूँगी तो 50 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन करूँगी तो 50 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 45। ओके, अभी उससे थोड़ा कम कौन सा है, 35, तो यहाँ पर ये 35 आएगा पिंक कलर। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर कर दिया। नाउ उससे थोड़ा कम कौन सा है, नंबर्स 15 ऑरेंज, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एरिया थोड़ा उससे कम है तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर किया। एंड लास्ट वन इज़ येल्लो, तो यहाँ पर येल्लो कलर। ओके, ये ग्रीन जैसा दिख रहा है बट इट इज़ येल्लो कलर, गेट इट। इन शॉर्ट हमने इसमें क्या किया, फ्रैक्शन लिया है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में लिखे हैं, और पर्टिकुलर जो पिंक वाला है 35, तो 35 अपन 100, 45 अपन 100, 15 अपन 100, 5 अपन 100, ऐसे ही फिर हमने डिवाइड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट सी द डेटा, शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फुल मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द गिवन सर्कल ग्राफ बाय फाइंडिंग द फ्रैक्शन। हमें इसमें क्या करना है, फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। सर्कल ऐसे ही एम्प्टी दिया हुआ है, इसमें अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया है, तो पहले ही हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि टोटल मतलब फुल मार्क्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वो जानने के लिए हम पहले यहाँ पर एडिशन करेंगे इन सब का। सो दैट इज़ 12 प्लस 18 इज़ 12 प्लस 18 इज़ 30 प्लस 6 इज 36। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया हमने 36। नाउ मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, तो इसका फ्रैक्शन जानने के लिए क्या करेंगे, 12 डिनोमिनेटर में 30 36। ओके, 12 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, 3 जा राइट, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 और यहाँ पर 3, 12 3 जा इज 36। नाउ साइंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 18। ओके, 18 अपॉन 36 आएगा, एटीन टू जा इज 36, सो 1/2। ओके, और यहाँ पर 6/36 दैट इज 6/36 1/6। अभी हमें 1/ ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, 18 और 6 को पाई मतलब ये सर्कल में ग्राफ ड्रॉ करना है, सर्कल ग्राफ। ओके, तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, 18 का है ना, तो हम कैसे करेंगे, हमें सोचना है। देखो 12 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 है ना, तो इससे बीच में ही एक लाइन कर देंगे तो ये पूरा साइंस हो जाएगा, साइंस, और यहाँ पर 12 और 6 है तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके, ये 6 स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश, और यहाँ पर ये जो बड़ा पार्ट है वो मैथ्स, मैंने सिर्फ M लिखा है, M फॉर मैथ्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू चिल्ड्रन, एंड रेस्ट ऑफ द सम यू हैव टू डू एट योर होम, थैंक यू।